हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट सी टेट के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 6। आज के मॉडल पेपर में हम सी टेट के रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे होंगे 20 MCQ मोर कार्य को लेकर। आप यूपी टेट सी टेट के एग्जाम के पहले वीडियो जरूर देखें, हो सकता है कि आपके प्लस 2 नंबर हो जाएं, क्योंकि सी टेट के पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। स्क्रीन पर चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सीटेट में अक्सर रिपीट होता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका बी, विष्णुगुप्त। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का स्क्रीन पर। अब निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेक या बेली के प्रिंस से की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर सीटेट के एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, कोटलिका अर्थशास्त्र। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अब वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में, वह शासक कौन था जिसने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए, अशोक। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, पत्नी है, वह पत्नी कौन थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका डी, कारू बाकी। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीन है। अब अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए, अर्धमागधी। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ए, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीन पर। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, तक्षशिला। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप आंसर जानते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, मौर्य। इसका राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, ठीक है, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यह अक्सर रिपीट होता है सीटेट में, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पर। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताना है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बौद्ध धर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के
शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन पर, 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, चाणक्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है सी, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला बा मूर्ति कला का निरूपण करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बौद्ध। नोट कर लें दोस्तों, आंसर जानते हैं आप, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको बताना है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य सम्राट की स्थापना किसने की। यह क्वेश्चन अक्सर सीटेट में रिपीट होता है, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, मौर्य सम्राट की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 14 का यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नोट कर लें, मौर्य सम्राट की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर, मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का यहां पे करेक्ट आंसर है आपका ए, पण। नोट कर लें, मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम था पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएं उपरोक्त में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु है ना मौर्य वंश का शासक नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंदुसार है, सभी लोग हैं अजातशत्रु को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका एक, कुणाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। दोस्तों आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बी, अशोक दत्त ने, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। नोट कर लें, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विशाख दत्त। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आपके पास ऑप्शन है चार, आपको कमेंट करके बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका डी, नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है इसका डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपके लिए बहुत ही खास है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पर, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यह सीटेट में अक्सर रिपीट होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी, चंद्रगुप्त मौर्य।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफी है, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी यूपीटेट सीटेट की तैयारी पूरी कराएंगे। थैंक यू।